राधे राधे करो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे करो चले आएंगे बिहारी। बोलो जान फिरों के हंसा देने वाले हरकतों को कितना ही क्यों ना देखे बोर नहीं होते, और इसीलिए आज हम आपके लिए उन्हीं जान फिरों की हंसा देने वाली वीडियो लेकर आए हैं, जिन्हें देखकर आप भी यही कहेंगे कि यार ये वीडियो हमने पहले क्यों नहीं देखी। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप आखिर तक जरूर देखे। इस बिल्ली ने शायद पहली बार किसी हेजहॉग को देखा था, जिसे देखकर ये कंफ्यूज हो गया, और इसी के चलते बिल्ली ने सोचा कि क्यों ना इस पर जरा बैठकर देखा जाए, जिसके चलते बिल्ली के पिछवाड़े पर हेजहॉग के कांटे लग गए। और अब बिल्ली यही सोच रहा है कि किस जानवर को उठा लिया मैंने, ये कौन है, ये कहां से है? अरे भाई मत रे। अबे कौन है तू, प्रधानमंत्री साले? रुक तेरे को बताते तेरी रुका इड़े चाले मेरे साथ एड़ा दी का क्या है, जब तक मार रहा नहीं टेस्ट कर रहे क्या? घुसेगा ना जब मालूम गिरेगा उनको चिमड़ी। हम बचपन से ही ये सुनते आ रहे हैं कि कौवा बड़ा ही समझदार होता है, और हमने इसकी एक कहानी भी सुनी है, लेकिन आज भी ये कौवे इतने ही समझदार हैं या फिर नहीं, आइए देखते हैं। यहाँ पे इस कौवे को एक गेम दिया गया जिसमें सही शेप को उसमें डालना था। पहले वाले कौवे ने तो काम बड़ी आसानी से कर दिया, लेकिन दूसरा वाला कौवा ये नहीं कर पा रहा था, जिस कारण ये भाई तंग आ गया और उसने गेम ही पलट दिया। जो कह रहा होगा साले एक कौवे ने कंकड़ से पानी क्या निकाल दिया, तुम तो हमसे मजदूरी कराने लग गए। कंट्रोल उदय, कंट्रोल, कंट्रोल। मजनू भी काम खराबी नहीं है, सब ठीक कर देगा। कंट्रोल, कंट्रोल। मैं नहीं खेल रहा, मेरे को खेलनी नहीं है, माफ करो मुझे, मैं नहीं खेलता ये गेम। बिल्लियां कुत्तों से बिल्कुल भी नहीं डरती, बल्कि कुत्ते उन्हें देखकर दुम दबाकर भाग जाते हैं, लेकिन सभी बिल्लियां डॉन नहीं बन सकती। और उनके साथ क्या होता है ये आप यहाँ पे देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बिल्ली खंबे पर लटकी हुई है, क्योंकि नीचे कुत्ता भाई उसकी राह देखते हुए उस पर भौंक रहा है, जो बेचारे इस बिल्ली पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन बिल्ली ने तभी वहाँ पर अपनी दादी जी को बुलाया और कुत्तों को वहाँ से भगा दिया, जो कह रही होगी दादी मुझे बचाओ वरना ये कुत्ते का बच्चा मुझे आज नहीं छोड़ेगा। दोस्तों मुझे बचाओ यार। अबे कौन है वो साला मर्द की औलाद जो छोकरे को यहाँ से उठा कर ले जाए। दोस्तों क्या हो यदि आप किसी पेड़ के ऊपर फंसे हो और नीचे खूंखार शेर आपका इंतजार कर रहा हो। हम जानते हैं कि आप ऐसा सोचना भी नहीं चाहेंगे, मगर हम आपको बता दें कि ऐसा असलियत में हो चुका है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स शेर के डर से पेड़ के ऊपर जा रहा है और शेर भी ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, कुछ वक्त के बाद शेर ने अपने पूरे फैमिली को भी इसी जगह पर बुला लिया और अब सभी मिलकर भाई के नीचे उतरने का इंतजार कर रहे हैं। ये शेर भी कह रहा होगा बच्चों बस थोड़ी देर और सबर करो, खाना नीचे आने ही वाला है। ए दाऊद, देख बढ़िया सुरवे तेरी गली में खड़ा है, दम है तो आ नीचे। कुछ जंगली कुत्ते एंटीलोप का शिकार करने के लिए अपने झुंड के साथ यहाँ पे आए हुए थे, मगर ये एंटीलोप भी काफी समझदार निकले। ये ऐसी जगह पर जाकर खड़े हो गए जहाँ पे इन वाइल्ड डॉग का आना मुश्किल था, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका एक गलत कदम उन पर भारी पड़ सकता है। किधर गया? हे चिपकली की औलाद बाहर निकल। बाप है हम लोग तेरे, समझा? इधर मत रे तू, इधर आना थोड़ा, इधर आना मेरा बच्चा, तू इधर आ। काय को? यू वेरी चालाक ब्रो, बहुत चालाक। भाग यहाँ से, गाली दे रहे हो। भाई बंदरों की बात की जाए तो ये कब कहाँ पे प्रकट हो जाए ये हम कह नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ खाने के लिए लोगों के घरों में घुसते हैं, अभी वक्त बदल चुका है साहब, अब ये बंदर पढ़ाई भी करने लगे हैं। जैसे कि आप इस बंदर को देखे जो इस क्लासरूम के खिड़की से अंदर झांक रहा था, और इसकी हरकत से यही साबित होता है कि ये बंदर भाई पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहता है, जो सोच रहा होगा कि बाप रे ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट लगता है। इसका आंसर लिखिए, 120 रोटेशंस इन 1 मिनट। ये आंसर किसने दिया? रोहित तुमने 10th स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम जबानी सॉल्व कर दिया? जी, छोटा मोटा टपोरी समझाता ना तू। दोस्तों यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि हमें यह वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। धन्यवाद।